हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का समय, तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। तो दोपहर के बज रहे हैं करीब 2, तो 2:15 का टाइम हो चुका है। और मैंने अभी सुबह में सिर धोया था, तो बस बाल सुलझाए हैं, थोड़ा सा कंघी वगैरह की है, और अभी बाल थोड़े से गीले हैं, तो बस ये सूख जाएंगे और फिर मैं इनको बांध लूँगी। और आज है हैप्पी न्यू ईयर, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी देखिए घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं आपको अकेले विश कर रही हूँ, क्योंकि सभी गए हुए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। तो ये गए हुए हैं सहारनपुर अपनी सिस्टर के यहाँ पर, और बच्चे भी गए हुए हैं अपनी बुआ जी के यहाँ पर, तो सभी गए हुए हैं। और जब तक वो आएँगे, तब तक तो मैं अपना घर में काम वगैरह कर लूँगी। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए, और वो तो लेट आएँगे, शाम तक ही आएँगे। और आज देखिए न्यू ईयर के दिन भी मतलब घर पे अकेली हूँ बिल्कुल ही, तो घर पे और कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर रखी है कुछ न्यू ईयर के लिए स्पेशल बनाने की, सोचा था, लेकिन घर पे जब कोई नहीं है तो जैसे कि मैं अकेली हूँ, तो उसके हिसाब से बना रही हूँ अपने लिए खाना वाना। मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चाय वगैरह पी ली है, नहाने के बाद 2 बार चाय पी चुकी हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी आज, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और सर्दी हो रही थी इस वजह से, और बहुत ज़्यादा सर्दी सी थी, तो बस मन भी नहीं कर रहा था कुछ ज़्यादा काम वगैरह करने का। तो घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने गाजर उबाल दिए हैं, तो ये देखिए गाजर उबली रखी है। और ये रखे हुए हैं दूध की कुछ पैकेट जो हस्बैंड लाए हैं, करीब 3 किलो के करीब दूध है ये, तो ये 3 किलो दूध लेकर आए हैं। और ये 5 किलो के करीब गाजर है, तो मैं इसका हलवा बनाने जा रही हूँ। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, गाजर को पहले उबाल लेते हैं ताकि ये कढ़ाई में मतलब पूरी आ सके, और इस तरह से उबाल के गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, देखते हैं कि आज का व्लॉग क्या। अपना हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं, और साथ में देखती हूँ कचौड़ी वगैरह कुछ बना लूँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह शाम तक आएंगे, लेकिन आज से हैं थोड़ा जल्दी भी, और कुछ मतलब उनका पता नहीं है किस टाइम तक आएँ। तो आने के बाद कुछ तो खाएँगे, तो मैं उनके लिए भी कुछ बना कर रख लेती हूँ। और ये भी मैं दूध के पैकेट है, तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ और मावा बनने के लिए रख लेती हूँ। बस अभी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चैनल पर न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दूध को निकालना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सभी पैकेट को कैंची से काट कर और फटाफट से बस इसमें डाल दिया है। तो मैं कढ़ाई में इसको दूध को पकना रख दूँगी, जब ये दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ही मतलब इसमें कसर रह जाएगी मावा निकलने में, तब मैं इसमें गाजर डाल दूँगी। और गैस पर रख दिया मैंने अभी फ़िलहाल इसे पकने के लिए, तो देखते हैं, क्योंकि गैस पर बहुत मतलब सिम गैस चल रही थी, एक तो गैस मतलब चूल्हा ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा स्लो चल रहा था, और कुछ इसमें टाइम लगता ही है गैस में पकने में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए सूजी का हलवा। यहाँ पर मैंने सूजी को भून लिया घी में, और उसके बाद डाल दिया इसमें सूजी को भूनने के बाद पानी। तो 1 कटोरी सूजी ली थी मैंने, उसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया, और इसमें 4 कटोरी पानी डालने के बाद इसमें डाल दिया कुछ चीनी आधी कटोरी के करीब, तो मीठा थोड़ा सा मैंने कम ही डाला है। वैसे इसमें 1 कटोरी सूजी में 4 कटोरी पानी और 1.5 कटोरी चीनी गिरती है, तो मैंने तो अपने हिसाब से कमी गिर रहा है और कमी रखी हुई है। तो यहाँ पर बस मेरा थोड़ा सा हलवा बनकर हो चुका है तैयार। तो देखिए गर्मा गर्म हलवा बन गया है मेरा, और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना देखने में। तो चलिए फिर मैं भूख लगा आती हूँ खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस ख़त्म होने के डर की वजह से मैंने ये इसको बीच में छोड़ दिया दूध को पकाना, तो मैं इसको ऊपर जा रही हूँ चूल्हे पर पकाने। तो इन्होंने एंटे वगैरह लगा कर वहाँ पर थोड़ी सी आग वगैरह जला ली है। और देखिए बस यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके थे, तो बच्चे वगैरह सब आ गए हैं, और आने के बाद इन्होंने चाय वगैरह पी ली थी, तो चाय वगैरह पीकर उसके बाद मैं ले आई हूँ उन्हें ऊपर, क्योंकि गैस का चूल्हा ख़त्म होने का डर लग रहा था मुझे बार बार, कभी गैस भी ख़त्म ना हो जाए, और बनने में बहुत टाइम लगता है हलवे को। तो हलवे को यकीन मानिए कम से कम 5 से 6 घंटे आराम से मान के चलते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से बस ऊपर आ गए थे। ये देखिए दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका था गैस पर, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगता, तो मैं इस वजह से बस इन्हें ऊपर ले आई। और यहाँ पर चूल्हा मेरे पास था पहले, वो टूट गया था, तो इस वजह से बस यहाँ ईंटों को हमने ये बना लिया अपना होममेड चूल्हा, तो इसको ईंटें लगाकर इस तरह से साइडों में और पिछली साइड भी ईंट लगा दी है, और बस इस पर रख दी है जलाकर। लकड़ियाँ रखी हुई थी मेरे पास, 2-3 कट्टे रखे हुए हैं भरे हुए लकड़ियों के, तो उनको ही जला लिया, और यहाँ पर मैंने रख दिया दूध पकने के लिए। और संध्या का टाइम हो चुका है, 7 के करीब टाइम होने वाला है, और मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ अपनी पूजा। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से नीचे आकर पूजा वगैरह की है मैंने सबसे पहले,
और पूजा वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं फिर से जाऊँगी छत पर, क्योंकि छत पर हलवा पक रहा है तो उस पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा, तो वहाँ पर बैठी रहूँगी। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कंबल बिछा रखा है मोटा सारा, और यहाँ पर ऊपर आ चुकी हूँ और ठंड अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन यहाँ आग के पास बैठे हुए हैं तो ठंड थोड़ा सा कम लग रही है, वरना नीचे जाओ तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और हस्बैंड भी साथ दे रहे थे, बस कुछ बातें वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से वो भी साथ में बैठे रहे जब तक मतलब मैं बैठी रही छत पर, क्योंकि आग वगैरह को ध्यान रखने के लिए भी। और हलवा मेरा काफ़ी अच्छे से पक चुका था, काफ़ी रात हो चुकी है, और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, और ये भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डालना था इसमें, तो बस वही डाल रही थी, और इसमें डाल दिया चीनी। तो ये 5 किलो गाजर थी, और मैंने 5 किलो गाजर में 3 किलो दूध डाला है, और इसमें कम से कम 4 कटोरी चीनी की डाली है। तो 4 कटोरी चीनी में हमें बहुत ही अच्छा सा मीठा मतलब हो गया था हलवा काफ़ी अच्छे से। और देखिए आग अभी काफ़ी तेज़ जल रही है, तो बहुत तेज़ आग हो रही थी, और हलवा भी मेरा बन चुका था, बिल्कुल सूख चुका है, अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसको बस कढ़ाई में निकाल ले रही हूँ, तो उसी कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया था, लेकिन फिर मुझे वो ज़्यादा काली लग रही थी और थोड़ी सी ख़राब भी हो रही थी, तो मैंने उस पर रख दिया था मावा पकने के लिए। और जब मेरा उसमें मावा वगैरह अच्छे से पक गया था उसी आग में, तो मैं मावा वगैरह पकाकर नीचे ले आई हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे गैस पर ही तिल भून ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है तिल, तो यानी कम से कम 1 किलो के करीब तिल है, और मेरा 1.5 किलो दूध का मैंने मावा निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए हलवा बन गया, तो मैंने बड़े भी होने में से निकाल कर छोटे में इसको कर दिया है खाली, तो बस इनको भी बर्तनों को खाली कर दिया, देखिए तिल भी भून गए। और बस यहाँ पर मैंने मम्मी की तरफ और जिठानी की तरफ जो हलवा वगैरह देना था वो भी निकाल लिया था। यहाँ पर इसने मैंने देखिए ऊपर से बादाम डाल दिया अपने, तो गार्निशिंग भी कर दिया इसकी अच्छे से, और बादाम काजू वगैरह सब कुछ मैंने मतलब घी में फ्राई करके उसके बाद कूट कर इसमें डाल दिया। और यहाँ पर देखिए मक्खन को मैं एक बार और अच्छे से गर्म कर रही हूँ, और ये तिल भी मेरे देखिए भून लिए हैं मैंने कढ़ाई में, और भुनने के बाद अच्छे से पीस लिए हैं मिक्सी में। पीसने के बाद मैं इसको डाल दूँगी मावे में, तिल और मावे के लड्डू बनेंगे। तो बस मैं जो काम है मेरा निमटा कर ही रख लूँगी रात में ही, क्योंकि सुबह में फिर मुझे कपड़े वगैरह भी वॉश करने हैं, और बहुत सारे काम है मेरे कल दिन में भी, तो इस वजह से मुझे टाइम थोड़ा कम ही मिलेगा दिन में। तो बस मैं रात को ये सब काम निमटा कर रख लूँगी। और अभी करीब रात के 12 बज चुके थे, करने में काम बहुत टाइम लगता है, सिर्फ दिखने में लगता है कि बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बीच में मुझे एक बार खाना वगैरह भी बनाना पड़ा था, तो बच्चों के लिए रोटी वगैरह बनाई थी मैंने, तो इस वजह से बस थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया। और उसके बाद ये देखिए मैंने लड्डू को मैश करने के लिए डाल दिया, इसमें डाल दिया मैंने चीनी पीस कर। तो ये मेरा 1 किलो के करीब तिल थे, और इसमें 1.5 किलो दूध का मैंने मावा निकाल के डाला है, और साथ में मेरी इसमें भी 4 कटोरी के करीब ही चीनी डाली है, लेकिन उसमें से मेरी 1 कटोरी चीनी पीसी हुई जो थी वो बच गई थी। और ये चीनी देखिए थोड़ी सी मतलब मिक्सी का जग गीला था, तो इस वजह से पीसी हुई है ना जो, तो वो डले से बने हुए हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हस्बैंड और मैं दोनों लगे हुए थे लड्डू बनाने में, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि इस तरह से देखो अच्छे लग रहे हैं ये भी पेड़े के शेप में, पर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से वापस से मैं इसे डाल दूँगी। तो इस तरह से पहले बनाकर हम देख रहे थे, तो बस ये देखिए हमने यहाँ पर 4-5 ही बनाए थे, और फिर इसको मैंने वापस से डाल दिया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इनका छोटे छोटे से लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को वैसे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे बहुत जल्दी खा लेते हैं इसको, उनको अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इसमें मीठा कम लगा था, तो हस्बैंड थोड़ा सा और डाल रहे हैं ऊपर से। तो ये जिस कटोरी से हस्बैंड ने डाला है उसी कटोरी को मैंने 1 कटोरी कम से कम भर के मैंने घेरा था पीसी हुई चीनी। और ये देखिए यहाँ पर हलवा ये घेर रहे थे बस मम्मी और जेठानी के लिए, तो ये डोल में मम्मी के लिए और डिब्बे में मतलब जेठानी को देने के लिए डाल कर रख लिया है, और ये अब जाके दे आएंगे, तो तब तक ये देकर आएंगे, तब तक मैं यहाँ पर लड्डू बना लूँगी छोटे छोटे से। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से लड्डू अपने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी थोड़ा सा ये मिश्रण गर्म था, और कुछ मेरा हाथ भी जला हुआ था, क्योंकि मैंने कढ़ाई को गरम गरम हाथ लगा दिया था इस वजह से, तो इस वजह से गरम गरम लग रहा था। अब देखिए बस मेरे फटाफट से यहाँ पर लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार, और अब मैं इनको अच्छे से देखिए तिल में लपेट रही थी, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे तिल में मतलब अच्छे से लिपटे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा ठीक ठीक से लगते हैं, तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इनको ज़्यादा टाइम लगाती, और मैंने रख दिए हैं, बाद में देखते हैं इसको। अभी मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही भरकर फ्रिज में लगा दूँगी, वैसे तो ये गरम गरम अगर हम तिल में लपेट लें तो और भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर अब देखिए आप 12 से ऊपर टाइम हो चुका है, और यहाँ पर बर्तन देखिए कितनी सारी भंडे रखी हुई है, लेकिन मैं इतने बड़े सब काम को छोड़कर तो सुबह के लिए नहीं सो सकती, तो मैंने यहाँ पर पूरे फटाफट से सारे बर्तनों को साफ़ किया है। और पानी टैंक का है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था पानी, लेकिन फिर भी बर्तन जो थे वो साफ़ करने थे। और कढ़ाई वगैरह भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो चुकी थी, क्योंकि चूल्हे पर बनाया था तो काली हो चुकी थी,
और अभी देखिए करीब 12:30 का टाइम हो चुका था। हस्बैंड वगैरह बच्चे वगैरह सब सो चुके थे और मैं आ चुकी हूँ अभी काम निपटा कर। तो अपना बर्तन वगैरह सभी कुछ वॉश करके लाइट वगैरह बंद कर दी है। और ये देखिए मेरे आती हस्बैंड की भी आँख खुली है, तो वो भी हाय हेलो कर रहे हैं और भी वो सो चुके हैं। तो चलो